गाइस वेलकम टू आवर न्यू अनदर ब्लॉग वीडियो। और आज के इस ब्लॉग में ना मैं जा रही हूँ बाहर घूमने, और मुझे भी नहीं पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ घूमने, लेकिन ऐसे मैंने फर्स्ट जो पॉइंट है वो मैंने इंडिया गेट का चूज करा है, वहाँ मैं घूमने जाने वाली हूँ। एक्चुअली आज मैंने ऑफिस से ऑफ ले रखा है, तो ऐसे ना मुझे घर में रह के बिल्कुल भी अपना टाइम नहीं खराब करना है। लाइक कि मैंने एक पोस्ट पढ़ ली थी, है ना, पोस्ट में ऐसा था कि घर में खाली नहीं बैठना चाहिए, बाहर जाके धक्के खाओ लेकिन बाहर जाओ। तो आज ना वो पोस्ट का जो भूत है ना वो मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है। आज मैं बाहर जाके धक्के खाऊंगी लेकिन मैं आराम से घर में नहीं रहने वाली हूँ। मैं आज लेट्स सी इंडिया गेट चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या सीन है, क्या नहीं हो रहा है, और बाकी मैं आपको इंडिया गेट पे ही मिलूंगी। और गाइज आप लोग हमारे वीडियोस को ऐसे ही लाइक करें, शेयर करें, अगर आपको पसंद आ रहा है तो यार सब्सक्राइब भी करो चैनल, और क्या। ओके गाइज बाय बाय। सो फाइनली मैं निकल गई हूँ, आज घूमेंगे हम इंडिया गेट। वैसे भी थोड़ा सा शाम को इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत धूप होती है दिन में। इसलिए ना धूप कम हो, अभी आप देख सकते हैं धूप ना एकदम से कम हो गई है, तो इस वेदर में ना थोड़ा ठीक सा रहता है वैसे, क्योंकि गर्मी तो बहुत है, आप इतनी गर्मी में बाहर जाओगे। थी आज इंडिया गेट पे, और मैंने आज यहाँ पे बहुत घूमा, बहुत मज़ा करा, ये देख सकते हैं बहुत सारा मज़ा करा हमने। और हमारे साथ है, क्या कर रहे हो, कैंडी बेच रहे हो? एक कैंडी कितने की है? 20 रुपए की। थोड़े कुछ कम में दे दो यार, 15 का लग जाएगा। चलो एक कैंडी दे दो फिर। तुम कैंडी खाते हो? खा लेते हो? कब खाते हो? अरे तुम्हारा तो अपना ही दुकान है, तुम्हारा तो जब मन करता होगा। अरे अरे इधर आओ बैठते हैं, आओ। इधर आओ बैठे बैठो, तुमसे बात कर लेते हैं थोड़ा। हमको ये बताओ, तुम्हारा तो अपना ही दुकान है, जब तुम्हारा मन करता होगा तब खा लेते होगे? खा लेते हो? आज खाए हो? अरे तुम तो तरबूज जैसा गमक रहे हो, कहाँ खाए हो? रोटी खाया और कैंडी खाया, लेकिन तरबूज जैसे कैसे गमक रहे हो? तरबूज भी खाए हो क्या? पता नहीं, हमको तो तरबूज जैसे गमक रहे हो, तो है नहीं खाए हो? पता नहीं, हमको नहीं पता कैसे, लेकिन तरबूज जैसे गमक रहा है, पता नहीं कैसे तरबूज जैसा गमक रहा है। एक काम करो तुम, कि हम तुम्हारा कैंडी नहीं ले रहे हैं लेकिन हम तुमको पैसा दे रहे हैं, तो पैसा रखो, और हम तुम्हारा कैंडी नहीं दे रहे कैंडी, तो पैसा तो हम तुमको दे दिए, ये पकड़ो कैंडी भी बेच लो। क्या है कि दीदी ना कैंडी नहीं खाती, दीदी का दांत खराब हो गया है, हाँ दीदी कैंडी नहीं खाती है क्योंकि दीदी का दांत खराब है, अंदर में ना कैविटी है। तो आप एक काम करो, कैंडी तो आप बेच लेना और पैसा आपको दीदी ने दे दिया है, ठीक है? अच्छा लग रहा है? हमको बताओ लेकिन तरबूज जैसे गमक कैसे रहे हो तुम? तरबूज अगर खाए नहीं हो तो गमक कैसे रहे हो तरबूज जैसे? हाँ नहीं खाए हो? चलो फिर दीदी अब निकलती है, ठीक है, चलो बाय बाय। नाम क्या है? हाँ देव। बहुत बढ़िया नाम है, चलो फिर बाय। तो हमने यहाँ पे बहुत घूमा, बहुत मजा करा, अभी हम लोग जाने वाले हैं। अब मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करने वाली हूँ। मैं ना आपको एक कमाल का चीज़ दिखाती हूँ, ट्रेन दिखाती हूँ आपको। मैं एक कमाल का चीज़ दिखाने लेके जा रही हूँ जो आप लोगों ने नहीं देखा होगा।
जाऊंगी। हाय मेरे जुल्फे। अब ठीक है। सो हमने बहुत मज़ा किया है आज। अभी ना थोड़ी सी भूख लग रही है, तो सोच रहे कहाँ जाए। तो हम कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ मिल जाएगा तो चलते हैं फिर वहाँ। सो मैं आ चुकी हूँ महाराष्ट्र सदन में। एक्चुअली एक मेरी फ्रेंड रहती है यहाँ पे, और फ्रेंड रहती नहीं है, वो किसी काम से आई हुई थी, तो मैंने सोचा जाते जाते मैं मिलते हुए जाऊँ उससे। तो चलते हैं, देख के आते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो महाराष्ट्र सदन में आज 1 मई है, तो उन लोगों का वो लोग 1 मई को सेलिब्रेट करते हैं महाराष्ट्र लोग, तो इस वजह से ना पूरा डेकोरेट हो रखा है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि क्या मस्त डेकोरेट हो रखा है। बहुत अच्छा, आप पीछे देख सकते हो क्या मस्त डेकोरेट हो रखा है। इधर आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा डेकोरेट हो रखा है, और सच में बहुत मज़ा आ रहा है। ये देख सकते हो आप, पूरा डेकोरेट हो रखा है आज महाराष्ट्र दिवस के कारण। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा डेकोरेट हो रखा है। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पे आके ना हमें बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है, और डेकोरेशन देख के और शांति बहुत अच्छी। वाटरफॉल भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का, और बहुत मज़ा आ रहा है। एक्चुअली जो मेरी फ्रेंड है ना, वो कैमरा से आए, बहुत वो कैमरे में आ नहीं गई है। मैंने उसको बहुत बोला आज ब्लॉग मेरे साथ में, बट मैं खड़ी थी कैमरा से आए, बहुत अच्छा करती हूँ नहीं, तो इस वजह से हमने लिया नहीं, और मैं ऐसे ढूंढने वाली हूँ मैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए मैं आप लोगों को खुद ही दिखाती हूँ आगे का कैसा सीन है यहाँ पे। में यार यहाँ पे आके ना मजा ही सा आ गया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। ओ माय गॉड, इतने सारे प्लांट यहाँ पे लगा रखे हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा है सच में, बहुत अच्छा, बहुत पीसफुल यहाँ का माहौल है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो कि इनके बारे में सब कोई को पता है कि ये कितने बहादुर और कितने मराठी का जो शान होते हैं ना, वो होते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। और मुझे सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि काम करो तो इनके जैसा। इतनी बड़ी अगर आपके स्टैचू ना बने ना, फिर जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं है। घर के अंदर आ चुके हैं, और बस यार अब रेस्ट करना है, इतना ज्यादा थक गए ना। बस अब थोड़ी देर ना रेस्ट करने को मिल जाए, ऐसा लग रहा था फांसी लग जाएगा। फैन ऑन कर लेती हूँ।
सो गाइज मैं आ चुकी हूँ घर पे, और घर पे आते टाइम रास्ते से मैं बताती हूँ मैंने क्या लाया है। चीनी, घर में चीनी खत्म हो गए थे। यू नो कि आई एम रिस्पॉन्सिबल और मेरे घर में सिर्फ मैं ही रहती हूँ, तो मुझे ही ख्याल रखना पड़ेगा। तो आते टाइम मैंने चीनी लिया है और एक चिप्स का पैकेट लिया था, ये मुझे थोड़ा पसंद आता है। और गर्मी बहुत है तो मैंने छाछ लाया है। गर्मी बहुत है यार गाइज, आप लोग भी ना छाछ पिया करो, क्योंकि गर्मी में छाछ बहुत ही अच्छा होता है और काफ़ी अच्छा उसका आपको गर्मी में बहुत ही हेल्प करता है। आप हाइड्रेट रहते हो, तो इस वजह से आप लोग भी ना गर्मियों में छाछ वगैरह पिया करो, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। क्या पता आप लोग कितनी बातें मेरी मानते हो, बट या पीनी चाहिए, ये आपको काफ़ी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है, बस इसलिए मैं बोल रही हूँ। मैंने बेड का जो हाल किया है ना, वो देख के सबको ऐसा लगेगा कि ओ मैंने क्या किया है, दिखाऊं क्या लू मन सा नहीं करो, ऐसे ही देख लो छोटा सा नहीं मैं सोने से पहले संभालूंगी, ये इधर कपड़े पड़े हैं, इधर कपड़े पड़े हैं, सब जगह कपड़े कपड़े पड़े हैं, अभी संभालती हूँ कुछ कुछ मैं। उम्र भर के लिए तुम मेरा साथ दो ना। सो मैं अभी जा रही हूँ कॉफी बनाने, क्योंकि मैंने काफी देर से पिया है, काफी दिन नहीं, शायद मैं एक दो दिन से नहीं पी हूँ, और अभी जाती हूँ कॉफी बनाते हैं, फिर कॉफी पीते हैं और फिर मैं आपको मिलती हूँ। डिनर वगैरह हमने कर लिया है, और अभी मैं थोड़ा सा मेरे ऑफिस का काम है जो कि मैं बैठ के करूँगी, उसके बाद मैं सो जाऊँगी। क्या मैं बोलूँ आप लोगों को, मैं थोड़ी सी एक दो मिनट में भी मैं आपको पका सकती हूँ, और मे बी आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि कुछ नहीं, सबका अपना अपना सोचने का तरीका है, सबका अपना अपना नज़रिया है ज़िंदगी जीने का और दुनिया देखने का। ओके तो अभी कुछ टाइम पहले तक ना जो मेरा ज़िंदगी था कुछ और ही था, लाइक कि मैं ज़्यादा नहीं सोचती थी, मस्त मज़े में रहती थी, और ज़िंदगी जीने का एक नज़रिया जो होता है सबका अपना अपना, वो बिल्कुल ही अलग था। बट अभी कुछ दिनों बाद, अभी जो मैं हूँ, ठीक है, आज से पहले का मैं अगर बात करूँ, तो मुझे सच में ज़िंदगी का, लाइफ का इतना इम्पोर्टेंस या फिर ज़िंदगी कैसे जीते हैं इसकी कोई भी, अब मैंने ज़्यादा नहीं सोचा था, लाइक कि लाइफ जैसी चल रही है, बहुत मज़े में थे। बट अभी जो है ना, वो लाइफ जीने का मेरा नज़रिया बदल चुका है, कहूँ तो सच में एकदम लाइफ चेंज वाला जो मोमेंट होता है ना, वो मेरे साथ हुआ है। और मेरे को ज़िंदगी जीने का जो नज़रिया है, ज़िंदगी जीने का जो तरीका है, वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है, अलग सा हो गया है। अब मैं हर रोज़ हर दिन अब जीने लगी हूँ और जीने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि सच में मुझे नहीं पता कि मैं कल हूँ या नहीं हूँ। अब मेरे साथ जो लोग हैं वो आज हैं, कल हैं या नहीं हैं, सीरियसली किसी का कुछ भी पता नहीं है। तो ज़िंदगी ना, आप जितना कर सकते हो उतना करो, अब ज़िंदगी में आए हो, आपका जन्म हो गया है, तो ये तो क्लियर है कि आपको मरना है, कब मरना है ये नहीं पता है आपको, तो आप अपने लाइफ अच्छे से जियो और अच्छे काम करो, और
जो भी आपके आसपास लोग हैं ना, सच बताऊं आपको नहीं पता है कि वो कल रहेंगे आपके साथ नहीं रहेंगे, जो आपके लिए हैं आप उनके लिए खड़े रहो, उनके लिए स्टैंड लो, उनको स्पेशल फील करवाओ अगर वो आपके लिए स्पेशल है तो, अगर वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो आप उनको दिखाओ कि वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप अपने लाइफ को ना हर पल जियो, समझ रहे हो आप, हर पल आप अपनी लाइफ जियो, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आप कल हो या नहीं हो, कल आप कल रहोगे कि नहीं रहोगे। और YouTube पे ना सतगुरु जी हैं, बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही अच्छी बातें होती हैं उनकी। आजकल मैं उनके उनकी वीडियोस देख रही हूँ और उनके बातों को मैं सुन रही हूँ, अपने लाइफ में उतारने की भी कोशिश कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा किताबी बातें तो नहीं हैं, आपके रियल लाइफ से जुड़ी हुई बातें हैं, और आप भी कोशिश करो कि आप उन बातों को, उनकी बातों को सुन सको और उनकी बातों को आप समझ सको, समझ रहे हो आप। जब उनकी बातों को आप सुनोगे ना, आपको लगेगा कि सीरियसली लाइफ जो हम जी रहे हैं ये लाइफ बिल्कुल भी नहीं है। आई डोंट नो मेरे को जो बोलना था वो मैं बोल पाई हूँ या नहीं बोल पाई हूँ, सीरियसली मुझे नहीं पता। मैं कुछ तो कहना चाह रही थी आप लोगों को, आई रियली डोंट नो कि आप लोग समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो, कोई बात नहीं। बट मैं अपनी वीडियोस के थ्रू मैं अपने थॉट्स जो है, जो मैं जो मैं सोचती हूँ, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को बता पाऊँ। सो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग कुछ भी अगर समझे हो कि मैं क्या बोलना चाह रही थी आपको, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, ताकि इससे मुझे लगे कि हाँ मैं कुछ समझा पाई हूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम, या फिर अगर मैं कुछ नहीं भी समझा पाई हूँ ना, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताओ कि श्यामा जी मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पाया हूँ, आप क्या बोलना चाह रही थी, आपने क्या बोला, आप क्या कहना चाह रही थी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है क्या था, मैं बिल्कुल भी नहीं समझा। तो नेक्स्ट टाइम अगर मेरे को कुछ बातें आप लोगों से करनी होगी या फिर कुछ बातें आपको बतानी होगी, तो मैं और ज़्यादा खुल के या फिर ना सोचूंगी कि कौन सा इजी लैंग्वेज मैं बोलूँ जो आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, ओके गाइज, बाय बाय, गुड नाइट। आप लोग अच्छे से रहो और अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो, और जो आपसे प्यार करते हैं, जितने भी लोग हैं आपके घर में, आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, तो उन लोगों का भी आप लोग ख्याल करो और अच्छे से रहो। बाय बाय, गुड नाइट गाइज। अभी ना मुझे नींद नहीं आ रहा है, एक्चुअली ना रात के 1:30 बज चुके हैं, एक्चुअली 1:20 हो रहे हैं, है ना, 1:20 हो रहे हैं और मुझे नींद नहीं आ रहा है। तो मैं सोच रही थी मैं क्या करूं, तो मैं अभी देख रही हूँ कुछ इंस्टाग्राम पे मैसेजेस जो लोगों ने मुझे भेज रखा है। इसमें बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं, हाय बहुत सारे हैं, ये देख सकते हैं, और बहुत सारी हैं, ये देख सकते हैं, और इतने सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारे मैसेजेस हैं, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत सारे मैसेजेस। मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि आप लोग जो भी मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजते हैं, ऐसा हो सकता है कि मैं रिप्लाई नहीं इधर से जाता होगा आप लोगों को, ये पॉसिबल है, और इस बात से मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रही हूँ। बट मैं मैसेजेस सबके देखती हूँ, ये इस बात में ना पूरी सच्चाई है कि मैसेजेस मैं सबका देख लेती हूँ। तो मैं वही कर रही थी कि मैं सबका मैसेजेस देख रही थी अभी। आप लोग ना ऐसे मैसेज करते रहो, आप लोग ना ऐसे ही मैसेजेस करते रहो, मुझे वेस्ट विशेस वगैरह भेजते रहते हो ना सच में, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे आप भेजा करो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं इन सब चीज़ों को पढ़ के मैं खुश भी होती हूँ, जो भी अच्छे लोग अच्छे मैसेजेस भेजते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन ऐसा लगता है। तो आप लोग भेजा करो क्योंकि मैं देखती हूँ। ओके गाइस, फिर से मैं सोने की ट्राई करूंगी, अगर नींद आ जाएगा तो सो जाऊंगी। नींद का बहुत प्रॉब्लम है यार, मुझे नींद ही नहीं आता।